हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 का प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहां डायगोनल एसी और बीडी जो है एक ट्रेपेजियम एबीसीडी है, जिसमें कि साइड एबी और डीसी पैरेलल है, ठीक है, और दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके ओ पॉइंट पर, एसी और बीडी डायगोनल, ठीक है। तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और टू ट्रायंगल्स यूज करके हमें प्रूव करना है कि OA by OC is equal to OB by OD। तो देखिए अगर हम ट्रेपीजियम बनाते हैं, आपको देखिए क्या बोल रहा है, AP जो है पैरेलल टू DC है, ठीक है। तो दो साइड हम बना लेते हैं, ये हमारा AB जो है पैरेलल टू DC, डी एंड सी, ठीक है, और डायगोनल जो इंटरसेक्ट करें ए सी और बी डी ओ पॉइंट पर, तो बी डी हमने ज्वाइन कर लिया, सिमिलरली हम ए सी ज्वाइन कर लेंगे, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। तो देखिए ओ ए मीन्स ओ ए हमारा ये साइड है, ठीक है, ओ ए by OC equal to OB by OD। It means अगर हम प्रूव कर दें कि ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD सिमिलर हैं, तो हम ये रिलेशन प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं, इन ट्रायंगल OAP, OAB and ट्रायंगल O CD, ठीक है, एंगल OAB जो है, एंगल OAB should be equal to एंगल OCD। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके हम बोल सकते हैं, देखिए AB और DC पैरेलल हैं, तो हम बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ये दोनों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दूसरी एंगल की बात करते हैं, एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए शुड बी इक्वल टू एंगल ओ डी सी हो जाएगा, यहां ओ डी सी, ये दोनों भी जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये भी हमारे हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब थर्ड एंगल कौन सा हो जाएगा, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। थर्ड एंगल हमारा ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके हम बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये दोनों देखिए आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब देखिए तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल के ओ ए बी और ओ सी डी, तो हम बोल सकते हैं बाय सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो होती है एंगल एंगल एंगल, ये इसे यूज करके बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। Therefore, by AAA similarity criteria, similarity criterion, triangle OAP is similar to triangle O C D। अब सिमिलर है तो क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, तो ओ ए डिवाइडेड बाय ओ सी शुड बी इक्वल टू ओ बी, ठीक है, ओ बी डिवाइडेड बाय ओ डी, यही प्रूव करना था हमें। ओके फ्रेंड्स,
तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।